समर्पित भूजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी, संघर्ष जल के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा मजबूत हो, हमारी आदतें बदलें, संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा। पिछले कुछ दशकों से भारत में कुछ राज्यों के भूजल स्तर में लगातार कमी आई है। हो सकता है एक दिन वो भी आए जब जल बचे ही ना। ऐसा ही होगा अगर हम अब भी न संभले। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। अटल जल ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। भारत जैसे देश में पानी का महत्व हम समझते हैं। देश ने लगातार प्रगति की है, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, नई सुविधाओं में, शहरीकरण में। इसके साथ ही हम वो देश भी बन गए जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करता है। नतीजा देश के 20% भाग में पानी की कमी है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी खाद्य सुरक्षा पर, महंगाई पर और जीविका पर। पानी की गहराई बहुत अंदर चली जा रही, 500 फुट गड्ढा हो रहा है। अब तो दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। बहुत पानी की समस्या आ जाती, गंदा पानी हो जाता है और नल सूख जाते हैं गर्मियों में। पहले तो ये देख लिया ऊंडा पोरूंग और खोद लेंगे, लेकिन और खोदते खोदते तो आखिरी आ गया। अब क्या करें? यह जमीन पानी कम पड़ रहा है, हमारा पोता पाती कैसे जिएगा बेटा? सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचना दी जाती है कि आज आपके गांव में अटल भूजल योजना के तहत टीम आ रही है। अतः सभी को सूचित किया जाता है कि पंचायत घर में जाकर उनके विचारों को सुने। आज की सभा का आयोजन करने का पर्पस क्या है? ताकि सभी लोग जागरूक हो सके अटल भूजल योजना के बारे में। ऐसा इन सभी के सामने भी एक ही सवाल, लगातार कम होता हुआ पानी। जो हमारा जल स्तर है, जिसे हम देसी भाषा में चूहा बोल देते हैं, तो उसकी जो समस्या है। गढ़ी रुडान का हमने तैयार किया है नक्शा आपके गांव का, गांव में कहां से एंट्री है, कहां पे गांव का तालाब है, कहां पे गांव का स्कूल है। लेकिन अटल भूजल योजना से जुड़ी इस जागरूकता मीटिंग में सभी का सामना हुआ सच्चाई से। आपका वाटर लेवल ये 90 से लेकर 2000 में 60 फुट आ गया था, 2010 की बात करते हैं तो लगातार ये 30 फुट नीचे गया है। दिन प्रतिदिन हमारा पानी जिस प्रकार से नीचे जा रहा है, ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, तो हम उसको बहुत ज्यादा तेजी से वो नीचे जा रहा है, उसके बचाने के हमें प्रयास करने पड़ेंगे। कि जो खेत में पानी लगाना है उसकी टेक्निक को बदलना पड़ेगा, या तो फुहारा सिस्टम पे जाओ या टपका बूंद बूंद सिंचाई पे जाओ। ये समस्या सबसे ज्यादा हम औरतों के सामने आ रही है कि औरतों को ही सब रसोई का काम करना पड़ता है, तो हम औरतों को ही इसके समाधान के लिए आगे आना पड़ेगा, ताकि हमारे को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे नाता नाती, पोता पोता, बेटी बेटियों को इस समस्या का सामना ना करना पड़े और पानी आसानी से प्राप्त हो सके। हम सब भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेते हैं कि हम भूजल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सभी को इसके लिए प्रेरित करेंगे, इससे आने वाली पीढ़ी को भी हम भूजल प्रदान कर सके। धन्यवाद। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना विश्व का सबसे बड़ा भूजल प्रबंधन कार्यक्रम देश के 7 राज्यों में पानी की कमी से जूझ रहे 80 जिले, 8,551 ग्राम पंचायतों के लिए एक उम्मीद, अटल भूजल योजना।
साथियों, इस योजना से इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिली। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है जो जन्म से जानते हैं। अटल भूजल योजना के प्रेरणा स्रोत जल से जुड़ी सफल गाथाएं। महाराष्ट्र में हिवड़े बाजार, राजस्थान और गुजरात के गांववासी जो स्वयं आगे बढ़े, सिंचाई के, जल प्रबंधन के कुशल तरीके अपनाए और आज समृद्धि की मिसाल है। अटल भूजल योजना का मकसद पानी की कमी को कम करना, भूजल स्तर को बढ़ाना। अटल भूजल योजना की सफलता से सीधे जुड़ा है जल जीवन मिशन, एक संकल्प हर घर पहुंचे साफ और भरपूर जल। जल प्रबंधन में सभी की भागीदारी हो, इसके लिए ग्रामीण समुदाय को ही ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद पानी की क्वालिटी, जल का स्तर नापें और उस पर नजर रखें। अदृश्य को दृश्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि गांव वाले युवक, नौजवान, बुजुर्ग खुद अपने गांव के कुएं का, अपने ट्यूबवेल का, भूजल का पानी नापें और देखें कि किस स्तर पे नीचे जा रहा है। जब उनको अपनी समस्या का पता चलेगा तभी वो उसके समाधान का प्रयास करेंगे। गांव-गांव में रेन गेज यानी वर्षा को मापने के यंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि वर्षा का हिसाब रखा जा सके। जब गांव वाले खुद उसको नापेंगे कि मेरे गांव में आज कितनी बारिश हुई, कल कितनी बारिश हुई थी, इस साल कितनी हुई, इस महीने कितनी हुई, तो एक सोच पैदा होती है कि मेरे गांव के अंदर इतनी बारिश होती है तो मैं क्या उसको कंजर्व कर सकता हूँ। गांव में पानी के हर स्रोत की जियो टैगिंग, जल स्तर और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर बनता है जल बजट। अटल भूजल योजना में हम वाटर बजटिंग करते हैं या जो जल बजट बनाते हैं, इस जल बजट के अनुसार हम गांव में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना पानी है, जो भूजल कितना है और हम उसका निकाल कितना रहे हैं। उन्हें पानी का बजट बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने घरेलू बजट के समान अपनी पानी की उपयोगिता को बढ़ा और कम कर सकते हैं। वाटर बजट मीटिंग के दौरान गांववासी अपने गांव के पानी से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि आपके पास पानी तो है 100 यूनिट और निकाल आप 600 यूनिट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप 6 गुना घाटे में हैं। जैसे कि हमने आगे जो पानी की बचत करनी है ना, एक तो हम सूखे वाली फसल धान सूखे वाला बिजाई करें और धान की पानी वाले की जगह मक्की, बाजरा, हरहर, मूंग इनका प्रयोग करें और जितना भी ज़्यादा ज़्यादा हम पानी वाटर लेवल कम निकालेंगे उतना हमारा पानी बचेगा। भूजल कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, लोकल एनजीओ की मदद से गांववासियों के सुझावों और वाटर बजट के आधार पे तैयार और अप्रूव होता है वाटर सिक्योरिटी प्लान। जितने भी आपके एकड़ में स्प्रिंकलर ड्रिप लगेंगे ये आपके गांव के जल सुरक्षा योजना में डाल दिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे वाटर सिक्योरिटी प्लान वेरीफाई यानी सत्यापित किया जाता है। वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है गांव वाले बनाते हैं, पूरे गांव के लिए बनाते हैं और पूरे गांव की जिम्मेवारी है इसको ठीक से लागू हो। अटल भूजल योजना